बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूजनीय साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, आप लोगों के समक्ष कुछ देर विचार प्रस्तुत है। गुरुवर कबीर की बात ऐसी है कि अंदर में आग लगा देती है। अगर आदमी सो रहा हो तो उठ के बैठ जाता है, बैठा हो तो खड़ा हो जाता है, और जो पहले से खड़ा हो वो आपका गला पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है कि आपने ऐसा क्यों कह दिया। इसीलिए गुरुवर कबीर साहब को कहना पड़ा, संतों बोले ते जग मारे। संत लोग जब बोलते हैं तब संसार के लोग उनसे द्वेष करते हैं। क्यों? अभी साहेब जी से हमने सुना, ईश्वर साहेब जी से, क्योंकि सत्य बहुत कड़वा होता है और इसको पचाने के लिए क्या थोड़ा कटु शब्द है। गीदड़ नहीं चलेंगे, शेर चाहिए। जिनको जिनको बुरा लगा हो, जिनको जिनको दर्द होती हो, इन बातों से पीड़ा होती हो, उनको सत्य नहीं पचता है, वो गीदड़ के समान है। कबीर को समझने के लिए, कबीर की बात को पचाने के लिए, आत्मसात करने के लिए, जीवन में उतारने के लिए शेर दिल बनना होगा। जो शेर है वही यहां बैठे हैं, उन्हीं को कबीर समझ में आते हैं, बाकी तो घंटी बजा रहे होंगे अभी भी। उनकी भीड़ ज्यादा है, वे सब कुछ जानते हैं, दुनिया में कहां क्या हो रहा है। आप उनके दरबार में पहुंचिए, पहले से बता देंगे, आपकी पत्नी से नहीं बनती, आपकी बहू से नहीं बनती, आपका पड़ोसी आपसे नफरत करता है, मैं पहले से लिख के रखा हूं, देखिए दिखाएंगे आपको, मैं सब कुछ जानता हूं। उनको यह भी पता है कि देश में कहां कितने आतंकवादी छुपे हैं, कल कितने लोग मरेंगे, परसों कितने लोग मरेंगे, कल कहां बम दगेगा, लेकिन वो सरकार को इसकी सूचना नहीं देते, क्योंकि हमारे गुरुजी हैं, वो ईमानदार हैं। कैसे ईमानदार हो सकते हैं? उनको पता है कि कल बम दगेगा और इतने लोग मारा जाएंगे, उनको पता है यहां आतंकवादी छुपे हैं, भेष बदल के यहां घुस गए हैं, बॉर्डर पर अंदर आने का प्रयास करते हैं, फिर भी वो नहीं बताते हैं, वो ईमानदार है। देश का सबसे बड़ा गद्दार कौन? अगर कोई जान रहा है आपके अंदर, आपको अगर पता लग जाए कि ये कुत्ता कटहा है, इधर से जाओगे तो काट लेता है, आप सावधान करो भैया, उधर से मत जाना। ये आप बता के लोगों का परोपकार कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, लोगों को पीड़ित होने से बचा रहे हैं, लेकिन एक आदमी है वो नहीं बता रहा है, वो हमारा गुरु कैसे हो सकता है? लेकिन आज उनकी भीड़ आप ज्यादा है, देख लीजिए, चाहे यूट्यूब पर देखिए, चाहे टीवी खोल के देखिए, हर तरफ उन्हीं का बोलबाला है। हम मूर्ख हैं कि वो मूर्ख हैं? हम तो मूर्ख हैं ही हैं, भूले हैं ही, और वो महामूर्ख हैं।
गुरु के लायक भी नहीं, उनको सत्य पता है कि हम कुछ नहीं जानते, हमारा ये गणित है, हमारा यह खेल है, एक विद्या है, एक पढ़ाई है, जिसका उपयोग करके हम आपके मन के विचारों को पढ़ते हैं। लेकिन हमारे सामने क्या प्रस्तुत करते हैं, ये हमारी शक्ति है, हमारे गुरु से मिली है। ये सब विचार जो यहां से कहे जा रहे हैं, उन लोगों कितने कड़वे लगते होंगे, कितना बुरा लगता होगा कि ये छोटा सा समाज हम पर अंगुली उठाए। हमारे पास करोड़ों लोग रोज आते हैं, इतना दान देते हैं, बड़े बड़े कलेक्टर, इंजीनियर, वकील। स्वाभाविक है, संतों बोले ते जग मारे। जब संत लोग मुंह खोलेंगे, जब सत्य बोला जाएगा तो पीड़ा होगी। लेकिन जिसको जिसको पीड़ा हो रही है, वो गीदड़ से भी गए गुजरे हैं, ये बात याद रखें। समाज में बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ। आज जमाना कहां 2G से चालू हुआ था, नोकिया मोबाइल से, आज 5G पर पहुंच गया। कोई 4G मोबाइल नहीं लेता जल्दी से, भले अभी 5G यहां नहीं आया, लेकिन सब 5G के लिए सोचते हैं। लेकिन बुद्धि कहां वाली है हमारे पास? जब बाबा मंच पर बैठ के कहते हैं हम सर्वज्ञ हैं, तो हम ताली पीटते हैं। हमारी बुद्धि है 5G की? हमको ये समझ नहीं आता, तू सर्वज्ञ है तो क्यों नहीं किस चोरों की, बदमाशों की, आतंकियों की खबर दे सकता? तू तो सबसे बड़ा गद्दार निकला, अगर जान के भी नहीं बचाता है तो बताता है तो। और अपने को गुरु महामंडलेश्वर और बहुत बड़ा पुजारी कहते हैं। बंधुओं, जरूरत है कि कबीर के विचारों को अपनाएं और जीवन में स्थान दें। जो एक बार कबीर को समझ लिया, वो जिंदगी भर कबीर को छोड़ नहीं सकता। छोड़ने की एक ही शर्त है, वो तभी छोड़ेगा जब उसका दिमाग खिसक जाए। जो जो छोड़ा होगा, देखिए ऐसा नहीं नहीं छोड़ते हैं, बहुत लोग हैं जिनका दिमाग खिसक जाता है। आज 100% काम कर रहा है, पीछे वो 20% पर आ जाते हैं, फिर वो घंटी बजाना शुरू कर देते हैं, कहीं मंदिर में माथा टेकना शुरू कर देते हैं। गुरुवर कबीर को पा करके, गुरुवर कबीर के विचारों में जी करके आदमी बहुत अपने आप को फौलादी समझता है। डर, भय, चिंता, चमत्कार, अंधविश्वास, जादू, टोना, जंतर मंतर, दिशाशूल, भ्रम, पाखंड, अंधविश्वास, कितने चीज, कितने बातें उसके जीवन से दफा हो जाती हैं। लोग कहते हैं धर्म खतरे में है, अयोध्या चलो जल्दी, जितने हिंदू सब इकट्ठा हो जाएं, धर्म खतरे में है। धर्म खतरे में कभी पड़ ही नहीं सकता है। अगर कोई चीज खतरे में है तो वह है अधर्म। अगर कहीं भी ये शब्द लिखा जाता है या कहा जाता है कि धर्म खतरे में है, तो धर्म नहीं, अधर्म खतरे में है। अधर्म, अन्याय हो रहा था वहां और वो टूट रहा है। धर्म कैसे खतरे में पड़े? धर्म का कौन क्या बिगाड़ सकता है? दया, क्षमा, शील, संतोष, इनका कौन क्या बिगाड़ लेगा? हमेशा अधर्म खतरे में पड़ता है। बहुत आजकल बोलबाला होता है धर्म खतरे में। कोई कभी किसी के लिए कुछ बोल दिया, कोई टीचर या कोई नेता कभी कुछ पूजा करते समय या कहीं कुछ चप्पल पहन के चले गए या कुछ कपड़ा दूसरे कलर का पहन के डांस कर दिए, नाच दिए, उतने में धर्म खतरे में हो जाता है। धर्म खतरे में नहीं होता है बंधु, अधर्म खतरे में होता है। और ये बात, ये बुद्धि, ये विचार हमको कबीर की छाया के नीचे समझ में आएगी। बाकी तो सब भेड़िया धसान की तरह भागे जा रहे हैं। तो बंधुओं, हमें समझना होगा इस बात को,
अपने आप को गीदड़ से शेर बनाना। यहां भी बहुत से गीदड़ बैठे होंगे जो अभी भी सोच रहे कबीर सही कि हमारे घर की मूर्ति सही। अभी भी उनके यहाँ घंटी बजती है, उनका भी माथा झुकता है। ठीक है, झुकना चाहिए, तब तक झुकना चाहिए जब तक कबीर समझ में ना आए। कुछ तो करिए, आप कर रहे हैं, अच्छा है। सत्य को आप तब तक आप उसको करिए जब तक आप सत्य को समझ नहीं जाते। लेकिन जरूरत है सत्य को समझने की। जिस दिन आप सत्य को समझ लेंगे उस दिन आपकी घंटी आपके घर से चुपके से निकल के घूर में चली जाएगी, पिछवाड़े में फेंक देंगे आप और अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे। ये जितने भी धार्मिक पोंगा पंथी वाले लोग हैं, भटकाने वाले लोग हैं, आपको अपने पैर पर कभी नहीं खड़ा होने देते, हमेशा किसी के सहारे रखते हैं। तो बंधुओं, हम सबको जरूरत है कि हम कबीर के विचारों को अपने जीवन में अपनाएं और स्थान दें, तभी भ्रम पाखंड मुक्त जीवन और समाज का निर्माण कर सकते हैं। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।